जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो है कोई जवाब। और हम बात आज कर रहे हैं चौधरी असलम साहब से, जो कि उनको कहा जाता है जिस नाम से वो मशहूर है, असल में उनका नाम मोहम्मद असलम खान है, जो कि SSP हैं CID में। हम उनसे उनके जब हम तारुफ की बात करते हैं तो उनका एक तारुफ ये भी है कि ये उन खुशनसीब पुलिस ऑफिसर्स में से एक पुलिस ऑफिसर हैं जो अब तक हयात हैं, और उन पुलिस ऑफिसर्स पर जिन्होंने 92 के कराची के क्लीन अप ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, ये इनकी खुशनसीबी है। लेकिन आज उनके लिए उनके जितने दुश्मन है, खुलेआम उनके दुश्मन है, चाहे वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो, इनके घर पे हमला हो चुका है, वो इनको कत्ल की धमकियां दे चुके हैं। आज भी वो कहते हैं कि हमें जहाँ ये मिलेंगे उनको मारेंगे, और उसके साथ साथ एक और लश्कर जंग भी है जो भी इनकी तलाश में है। इतने सारे दुश्मन और एक अकेले चौधरी असलम मसीद, इनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, क्या यही वजह है कि आप पुलिस के यूनिफॉर्म नहीं यूजली ड्रेसअप होते पुलिस यूनिफॉर्म में, क्योंकि आपके दुश्मन बहुत हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, CID में यूनिफॉर्म होता ही नहीं पुलिस का। अच्छा, CID में यूनिफॉर्म ही नहीं होता, इस वजह से आप सिंध पुलिस के यूनिफॉर्म में हमें नजर नहीं आते? जी जी, सिंध पुलिस में CID पुलिस को यूनिफॉर्म पहनने की इजाज़त नहीं है। ओके फाइन, अच्छा हुआ। अच्छा मुझे ये ठीक है चौधरी साहब, अब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अब जब हम कराची के ओवरऑल हालात पे बात कर रहे हैं, तो आपकी भी बहुत सारे दुश्मन हैं और आप उन दुश्मनों से कभी डरे नहीं हैं, आपने खुलेआम ये कहा है। और जब आपके इवन आपके घर पे हमला हुआ तब आपने यही कहा कि जी मैं किसी से नहीं डरता, मैं फिर भी डर के मुकाबला करूँगा। आज भी क्या आपको धमकियाँ मिलती हैं? जी बिल्कुल, ये धमकियाँ तो देते रहते हैं, लेकिन इनकी हम धमकियों में आने वाले ना कल थे ना आज थे। अब जब मुझ पर हमला हुआ था, उसके बाद मैंने CVO ब्लास्ट, अब्दुल्ला शाह गाजी ब्लास्ट, इन सब के और जो मेरे घर में हमला में जितने भी मुल्जमान थे सब पकड़ लिए थे हमने। अच्छा, तमाम मुल्जमान पकड़ लिए हैं, और तमाम के तमाम मुल्जमान अब कहाँ हैं, जेल में मुकदमे चले हैं उनके ऊपर? सब जेल में जी बिल्कुल, मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, सब जेल में। अच्छा, एक और बात की जाती है, जिस तरह से जो शेरशाह जो किलिंग थी जो हमने देखी थी, जो शेरशाह का वाक़ा हुआ था एक्सट्रॉशन वाला, जिसमें जिन लोगों ने मारा था उसमें भी बाबा लाडला और दीगर का नाम आया, जिनका आपने भी जिक्र किया, लेकिन क्या आपको भी जुडिशरी से कोई शिकायत है? क्योंकि अमूमन पुलिस वाले, पुलिस या दीगर जो पोलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो ये शिकायत करते हुए पाए जाते हैं कि जी हमारा काम पकड़ के देना होता है, लेकिन जब अदालतों में जाते हैं तो अदम सबूत की बुनियादों पर छूट जाते हैं। और ये जो शेरशाह वाक़े के जो जिम्मेदार थे, जो जिन्होंने ये वाक़ा किया था, वो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, ऐसा होता है चौधरी साहब? जी हमें तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मुल्जमान पकड़े जाते हैं, लेकिन ये उसमें अदालतों के लिए प्रॉब्लम होती है कि कोई एविडेंस नहीं देता। तो हम कहते हैं कि खुदाला ये कानून होना चाहिए कि पूरी वर्ल्ड में पुलिस वाले की गवाही को माना जाता है, और पाकिस्तान में भी पुलिस के वाले की गवाही को अगर माना जाए तो आप देखेंगे सब मुल्जमान सजाओं, सिर्फ एक पुलिस वाला ही है जो हर जगह पर खड़ा होकर गवाही भी देता है, सब कुछ करता है, लेकिन पुलिस वाले की गवाही यहाँ पर मानता कोई नहीं है। पूरी दुनिया में पुलिस वाले की गवाही को माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में पुलिस वाले की गवाही को नहीं माना जाता। तो आप अपनी रिजर्वेशंस कभी सामने लेकर नहीं आए? ये तो हम हर वक्त कहते हैं, हर फॉर्म पे कहते हैं कि जैसे नारकोटिक एक्ट में पुलिस वाले की गवाही को माना जाता है, ऐसे ही एक्ट बना के पुलिस वाले की गवाही को दहशतगर्दी में इन सब चीज़ों में माना जाए, एक आम आदमी की तरह पुलिस वाले की गवाही को भी जैसे आम आदमी की गवाही को माना जाता है, ऐसे ही पुलिस वाले की गवाही को भी माना जाए, तो आप देखेंगे कि कितना फर्क पड़ जाएगा। लेकिन चौधरी साहब, 100 तो नहीं, 50% मुल्जमान सजा हो जाएंगे। सामने ऐसे केसेस हैं और जो हमारे यहाँ जो पुलिस के पुलिस बिहेवियर्स हैं, जो पुलिस एटीट्यूड्स हैं, जो पुलिस की क्रेडिबिलिटी है, वो आपके सामने है। बाइक चलती हुई रोड पे बाइक्स वालों को रोकते हैं, गली कोचों के कोनों पे खड़े होते हैं, 10-10 रुपए, 50-50 रुपए उनकी जेबों से निकाल रहे होते हैं, फिर उन पर इल्ज़ाम लगाने की बातें कर रहे हैं, बिला वजह मोबाइल्स में डाल के ले जाते हैं। मतलब आप ये फिर क्रेडिबिलिटी तो देखिए, आवाम का कॉन्फिडेंस तो देखिए, फिर किस तरह से माना जाएगा? फिर तो एक पुलिस रिफॉर्म लाने की भी तो ज़रूरत होगी ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ पुलिस वाले को ही बदनाम किया जाता है कि पुलिस वाले के 10 रुपये तो सबको नज़र आते हैं, लेकिन ये किसी को नज़र नहीं आता कि वो सुबह सफ़ेद वर्दी जो दुलवा के खड़ा होता है और शाम तक सारा धुआं उसके अंदर जाता है। आप देखें कि स्कूटर वाला जा रहा है, पेजारो वाला जा रहा है, वो उसके ऊपर वो उसको लानते देता हुआ जा रहा है, गालियाँ देता हुआ जा रहा है, एक
सिपाही जो ये 3 दफ़ा दिन को उसको यूनिफॉर्म चेंज करानी पड़ती है, वाइट यूनिफॉर्म, सारा धुआं मट्टी गर्द उस पर पड़ती है, उसके 10 रुपये तो सबको नजर आते हैं, बाकी जो सब लोग करते हैं वो किसी को नजर नहीं। चौधरी साहब, मैं ट्रैफिक पुलिस की बात नहीं कर रही, मैं सिंध पुलिस की उसकी बात कर नहीं, आप भी पुलिस वाला, आप भी आप देखें खड़े होकर बाइक वालों को रोक के 10-10 रुपये ले रहे होते। नादिया साहिबा, आप ये देखें कि पुलिस की कुर्बानी देखें कि कितने पुलिस वाले शहीद हुए हैं, किसी भी मुल्क से कंपेरिज़म कर लें, आप अमेरिका से कंपेरिज़म कर लें कि उनके पुलिस वालों की कितने परसेंट डिटेक्शन है और सिंध पुलिस की, पाकिस्तान पुलिस की कितनी परसेंट डिटेक्शन है। इन हालात में पिशावर में आज भी पुलिस वाले काम कर रहे हैं, पुलिस वाले, पुलिस वालों के लिए अमेरिका में बताएं, और उनको 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 सहूलतें भी कितनी हैं, उसके बावजूद डिटेक्शन देख लें, अगर हमारी डिटेक्शन उनसे ज़्यादा ना हो, और आप वेबसाइट पे जाएं और पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान पुलिस की कंपैरिजन करें, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिटेक्शन पाकिस्तान पुलिस की है। अच्छा, क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं? स्वात में भी ये, स्वात में भी पुलिस वाले नहीं भागे, पेशावर में भी पुलिस वाले नहीं भागे, कराची में भी पुलिस वाले नहीं भागे, पुलिस की कुर्बानियाँ तो देखें कि कितने पुलिस वाले शहीद हुए हैं। एक पुलिस वाला 7,000 रुपये के लिए सारा दिन लोहिया उठा के खड़ा रहता है, आने जाने वाले लोग उसको गोलियाँ मारते हैं, उसके बावजूद वो अपनी ड्यूटी देता है। तो आप बताइए ना ये आपके मसाइल, आप बताइए होम मिनिस्टर को कि आपके मसाइल है, जबी तो मैं बात कर रही हूं। ये देखो ना, ये तो बताया कि गली में, ये तो आपने बताया कि गली में जाके मोटरसाइकिल वाले से 10 रुपये लेते हैं, ये किसी ने सोचा है कि उनको किस तरीके से गोलियां मारी दी जाती हैं, फिर उनका अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा ही शहीद हुआ है, उसके उनको उसने कहा जी मैं डेड बॉडी घर में ले जाना चाहता हूँ, उसके बच्चों ने कहा, तो हमने कहा कि डेड बॉडी जब ले जाओगे तो उसके टप के नीचे बर्फ़ रखना, तो उनके पास बर्फ़ के पैसे नहीं थे तो वो डेड बॉडी नहीं लेके उन्होंने ईदी में रखी, तो ये भी तो देखें ना। चौधरी साहब, फिर इसका हल क्या है? हमारी आधी ज़्यादा पुलिस तो VVIP अरेंजमेंट और VVIP सिक्योरिटी को सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करने में लग जाती है, तो फिर एक बड़ा सिंध पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है, जहाँ पे प्रॉपरली सिंध पुलिस को भी फैसिलिटेट किया जाए, ताकि जब वो इस सर्कल से निकलेंगे अपने इस डिप्रेशन से, तो फिर जाके वो आवाम की खिदमत करेंगे। नहीं देखो, पुलिस वाले इन हालात में भी इतने शहीद हो रहे हैं, आज तक अभी आप देखेंगे पुलिस CID पे हमला होता है और 5 मिनट के बाद फिर पुलिस वहीं पे खड़ी होती है, फिर दूसरा हमला हो जाता है, फिर पुलिस वहीं पे खड़ी होती है, तो ये कुर्बानियां भी पुलिस की देखें, पुलिस सबसे कम तनख्वाह पुलिस की है। अगर पुलिस वाले, आप मेरी अर्ज सुने, अगर पुलिस वाले को प्रॉपर तनख्वाह मिले जितनी अमेरिका में एक पुलिस वाले को मिलती है, जितनी दूसरे मुल्कों में मिलती है, तो वो 10 रुपये नहीं लेगा कभी भी मोटरसाइकिल वाले से। आपकी इस बात से मैं 101% अग्री करती हूँ कि प्रॉपर तनख्वाहें मिलनी चाहिए, अच्छी तनख्वाहें मिलनी चाहिए, अच्छी तरह से उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, उनके इंसेंटिव्स होने चाहिए, उनके पर्क्स होने चाहिए, लेकिन फिर एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क है। फिर मैं जब मैं सिंध पुलिस रिफॉर्म्स की बात करती हूँ तो मैं इसी की बात करती हूँ। एक आम थाना है, हम बहुत बात से हट गए हैं, लेकिन मैं एम्फसाइज इस पर करना नहीं चाह रही, लेकिन चूंकि अब बात शुरू हो गई, क्या एक औरत, इवन एक आम औरत को छोड़ दें, क्या एक पर मतलब एक मैं अपनी अगर बात करूं वर्किंग वीमेन के तौर पे भी, क्या हमारे थाना, हमारा पुलिस कल्चर ऐसा है कि एक अकेली औरत जाके अपने खिलाफ होने वाली ज्यादती को वहां पर रजिस्टर करा सके, अपनी कंप्लेन वहां पर रजिस्टर करा सके? सबसे पहले तो कहा जाता है अगर आप थाने जाएंगी तो पुलिस सबसे पहले आपको खुद ही को पकड़ लेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आप अभी ड्यूटी के बाद आप किसी भी थाने में जर्सी आएँ और वैसे ही डमी कहेंगे मेरे साथ ज्यादा, उसी वक्त एक्शन लिया जाता है, ये सब झूठ है। इतना आज़ाद मीडिया है, इतना आज़ाद कोटे हैं, तो ऐसे कैसे पुलिस वाले कर सकते हैं? अच्छा चलो ठीक है, ये पुलिस वाले ही है जो क्राइम को पकड़ के, देखो देखें बहन में एक बात सुने, पुलिस को मीडिया भी मार रहा है, अदालत भी मार रही है, क्रिमिनल भी मार रहे हैं, और फिर भी वो काम कर रहे हैं। ये सब लोग मिलके एक पुलिस वाले के ऊपर खड़े हैं, सब लोग, मीडिया, अदलिया, क्रिमिनल्स, तो फिर भी पुलिस वाला काम कर रहे हैं, तो आप पुलिस वाले को सल्यूट करेंगे? पुलिस वाला इतने प्रेशर के बावजूद भी, इतनी मुसीबतों के बावजूद भी काम कर रहा है। मैं जरा सी बात हो जाए तो वुमेन राइट खड़ी हो, आज तक कोई वुमेन राइट खड़ी हुई है जितने पुलिस वाले कायम कर देती पुलिस? मैं पुलिस को जरूर सल्यूट करती अगर कराची में पुलिस अमन कायम कर देती,
रोज लाशें नहीं गिर रही होती है कराची में। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के क्या रेट है ये भी आपको पता होगा चौधरी साहब। कराची में एक्सट्रॉशन केसेस कितने हैं, ताजर कितने परेशान हैं ये भी आपको पता होगा। मोबाइल फोन किस धड़ल्ले से यहाँ पे छीने जाते हैं ये भी आपको पता होगा। टारगेट किलिंग कराची में हो रही है, मैं किस पुलिस को सल्यूट करूँ? नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये टारगेट किलिंग देखो एक साइड रुख का एक साइड ही देखा जाता है ना, सिक्के के एक साइड का सिक्का देखा जाता है दूसरी साइड का नहीं। अभी आप बताएं कि जो टारगेट किलर भी पकड़े जा रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम वाले भी पकड़े जाते हैं, भत्ताखोर भी पकड़े जाते हैं, आप ये भी तो बताएंगे कि पकड़े कितने गए? पकड़े जाते हैं, प्रादिकूट होते हैं, जेलों में हैं, जेलें भरी हुई हैं, जेलों में तो क्या ये फिर पैदा हो रहे हैं ये चौधरी साहब, फिर कहाँ से आ रहे हैं? अब अभी आप देखें ना, वो अगर बेरोजगारी है या ये है वो, ये पुलिस का मसला तो नहीं है। पुलिस तो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रही है और सब लोग उनको आज तक आप बताएं कि कोई ह्यूमन राइट पुलिस वाला शहीद हुआ, कोई वोमेन राइट वाला खड़ा हुआ है प्ले कार्ड लेके और दहशत गर्द मर जाता है तो सब प्ले कार्ड लेके खड़े होते हैं कि पुलिस। अच्छा कराची शहर आपने क्योंकि बेरोजगारी की बात की है तो मुझे बताएं क्या कराची शहर में रहमान मलिक कहते हैं कि किराए के टारगेट किलर्स भी मौजूद हैं, ऐसी कोई बात आपकी नॉलेज में? जाहिर है कि ये जो क्रिमिनल है ये अपने पास बंदे रख लेते हैं पैसों पर और उनसे ये कार्रवाइयाँ करवाते हैं। अच्छा कराची के अमन का अब हल, हाँ अमन के लिए कराची का हल क्या है? ये हल पॉलिटिकल पार्टीज के पास है या प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव इसका सलूशन है? देखें हर सत्ता पे हर आदमी अपना अपना काम करे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ये मसले। पुलिस अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रही है, जैसे ही कोई वारदात होती है उसके बाद उसकी डिटेक्शन रेट देखें। वारदात तो एक होने वाली चीज़ है, वो हो जाती है, उसकी आप डिटेक्शन देखें कि डिटेक्टिंग कितनी वारदातें डिटेक्ट हुई है। मैं फिर वापस थोड़ा सा लियारी पे आ जाती हूँ। कल जो हमने लियारी का ऑपरेशन देखा, हमने ये देखा कि वहाँ से एक भी बंदे की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और जो असला जो कल्प्रिट्स हैं जिनको आप क्रिमिनल्स कह रहे हैं, जो आप जिनके कुछ के आपने नाम भी लिए, वो वहाँ से जदीद असला इस्तेमाल कर रहे थे और हमारी जो पुलिस थी वो वेल इक्विप नहीं थी। नहीं नहीं पुलिस देखो ना, आप अभी ये बात कहें कि वो अगर रॉकेट लॉन्चर चला रहे थे तो पुलिस तो अपनी जगह पे खड़ी रही, मुकाबला करती रही, एक दहशतगर्द मारा गया और ये भी है कि पकड़े नहीं गए, 10 से 12 लोग पकड़े गए कल। जी जी बिल्कुल। कराची में असला कहाँ से आता है चौधरी असलम साहब? कराची में असले की कोई फैक्ट्री असला तो नहीं? असला जो है कराची में हमने बहुत सारा असला पकड़ा है। असला जो है कराची से ये वजीरिस्तान और बलूचिस्तान के रास्ते से आता है, बसों में मुख्तलिफ खाने बनाए होते हैं उनमें छुपा के लाते हैं। हर बस को चेक करना, हर ट्रक को चेक करना मुमकिन नहीं है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है तो चेक करते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। अच्छा वजीरिस्तान और बलूचिस्तान और इसमें खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है? बिल्कुल खैबर जी जी बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। तो वहाँ से जहाँ से असला आ रहा होता है, एक वक्त था जब लियारी आने कि ये जो जैर बलोच और दीगर जो आप नाम लेते हैं इनकी पीपल्स पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है, लेकिन एक वक्त था कि पीपल्स पार्टी का होम मिनिस्टर इनके घरों पे बैठा होता था और इन्होंने पीपल्स अमन कमेटी तश्कील दी। पीपल्स अमन कमेटी के सरबरा उजैर बलोच, जफ़र बलोच उसके सेक्रेटरी, पीपल्स अमन कमेटी को पीपल्स पार्टी ने ओन किया, उसको ज़ेली जमात भी करार दिया और आज आप ये कहते हैं कि इनका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पीपल्स पार्टी का होम मिनिस्टर किस तरह से उनके पास बैठा होता था, पीपल्स पार्टी की ज़ेली जमात उसको किस तरह से तस्लीम किया गया था? आप तो देखो ना, ये इन बातों का तो हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि हमारे पास जो लेटर आया है वो पीपल अमन कमेटी एक काला दम पार्टी है और काला दम तो बात में हुई है ना चौधरी साहब, तो इससे अगर ये किसी पार्टी के साथ पार्टी का नाम इस्तेमाल करते हैं तो उससे पुलिस का तो कोई वास्ता नहीं है ना। नहीं मैं नहीं कह रही कि उसका पुलिस से कोई वास्ता है, देखिए फिर वही वाली बात है कि छोटी मछलियों को पकड़ के तो इसका हल नहीं निकलेगा ना, मगरमच्छ को पकड़िए ना, बड़ी मछलियों को पकड़िए ना जिसने इसको स्ट्रेंथन किया। हमारा अलमिया यही है कि हम छोटी मछलियों को पकड़ते हैं। आज जुल्फिकार मिर्जा की सरपरस्ती नहीं है इन क्रिमिनल्स के ऊपर या इन लोगों के ऊपर, तो आप इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ थे आप एक साल पहले आज से जब जुल्फिकार मिर्जा कराची का सिंध का होम मिनिस्टर वेटकिन की सरपरस्ती करता था और उस वक्त आप लोग लियारी ऑपरेशन नहीं करते थे? जब जुल्फिकार मिर्जा साहब
होम मिनिस्टर थे उनके ही टाइम पे रिमांड डिकेड मारा गया था, जरा उन्हीं के टाइम पे पीपल्स अमन कमेटी बनी थी जिसको फिर कलंक करार दिया गया। उन्हीं के टाइम पे रिमांड डिकेड अपने चार साथियों के साथ पुलिस एनकाउंटर में बिल्कुल मारा गया और उन्हीं के टाइम पे ये पीपल्स अमन कमेटी बनी थी जिसको बाद में कलंक करार दिया गया। देखें अगर उनकी बात होती तो उनके टाइम पे फिर कैसे मारा जाता हो, तो उनके टाइम पे पीपल्स अमन कमेटी कैसे बन गई? उनके टाइम पे नहीं बनी थी ये पीपल अमन कमेटी की, मैं आपको कहानी बताऊं ना, ये जुल्फिकार मिर्जा साहब ने बनाई थी। ये इनके आपस में अरशद पप्पू ग्रुप का और रहमान डकैत ग्रुप का, जब रहमान जिंदा था आपस में झगड़ा था, ये झगड़ा जब गफार जिक्री और रहमान के बीच में सुलह हुई तो इस बात को उन्होंने अमन कमेटी का नाम दिया, वहाँ से ये अमन कमेटी बनी। इसको किसी पॉलिटिकल आदमी ने नहीं बनाया, ये रहमान डकैत और गफार जिक्री के बीच में जब कंप्रोमाइज हुआ तो इसको अमन कमेटी का नाम दिया गया। किसी से भी पूछवा ले, ये पूरे लियारी को पता है इस बात का। ठीक है, और उसके बाद साबिक होम मिनिस्टर जुल्फिकार मिर्जा के ने जाके इन पे दस्त शफकत रखा और फिर ये परवान चढ़ी। जुल्फिकार मिर्जा के साहब के टाइम पर भी लियारी में ऑपरेशन हुआ, लियारी पे ऑपरेशन हुआ, जुल्फिकार मिर्जा ने एमके के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद भी ऑपरेशन हुआ लियारी में। चौधरी साहब, लियारी पे ऑपरेशन हुआ, उससे पहले जुल्फिकार मिर्जा साहब कहते थे कि कोई आके दिखा दे लियारी में। जिस दिन लियारी में ऑपरेशन हुआ, जुल्फिकार मिर्जा ने इस्तीफा दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बड़े बड़े इंकशाफात किए, और वो इसी के खिलाफ के लियारी में ऑपरेशन क्यों हुआ और फिर लियारी में गो जरदारी गो के नारे लगे। बीबी ये तो आप किसी पॉलिटिकल आदमी से ये क्वेश्चन करें ना, ये तो पॉलिटिकल मामला आते हैं, इसमें तो हमारा नहीं है। हमारे कोई तो कोई जुर्म या कोई मुजरिम टाइम पे तो जब जुल्फिकार मिर्जा साहब होम मिनिस्टर थे, जब भी हमने रिमांड रिकेट को पकड़ा और उसके बाद जुल्फिकार मिर्जा साहब के टाइम पे ही लियारी में इन गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ एक, लेकिन ऑपरेशन क्लीन अप नहीं हुआ। अगर ऑपरेशन क्लीन अप हो जाता तो ये दोबारा से क्रिमिनल नहीं आ जाते। मैं इसीलिए कहती हूँ कि बड़ी मछलियों को जब तक नहीं पकड़ेंगे ये छोटी मछलियाँ, आज आप उसे रिमांड डकैत को आपने मारा, आज आप उजैर बलोच के पीछे हैं, आज आप जफर बलोच के पीछे, आज आप बाबा लाटला के पीछे, आज आप इनको मारेंगे, कल दीगर और पैदा हो जाएंगे। बड़ी मछलियों को क्यों नहीं पकड़ते जिन्होंने इनको बनाया? ऐसा नहीं है बीबी, जो भी क्राइम में मुलव्वस होता है, जिसके खिलाफ कोई एविडेंस होती है उसको पकड़ते हैं, भले वो बड़ा हो। कराची में तालिबान है, आखिर कुछ मिनट्स हैं मेरे पास, कराची में तालिबान एग्जिस्ट करते हैं चौधरी साहब? जी बिल्कुल, ये तालिबान ऊपर से आते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं और यहाँ पे तरतीब बना के कोई कार्रवाई करते हैं, जैसे ही कभी कभी कामयाब हो जाते हैं, जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है इनको पकड़ लेते हैं। अच्छा ये बताएं कि वो कराची के कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वो रूपोश है, ज्यादा तादाद में कहाँ पर रह रहे हैं? जो इतलाएँ मिलती हैं, शराब कोट है, क्वाली कॉलोनी है, पख्तूनाबाद है, सुल्तानाबाद है, इन साइडों पे होते हैं। मतलब एमक्यूएम जो चीखती रही आज से तीन साल कबल के कराची में तालिबानाइजेशन हो रही है, तालिबानाइजेशन हो रही है, वो सही थी? बेबी चीखती रही तो एमक्यूएम तो उसके वक्त से ही तालिबान को पुलिस पकड़ती रही। मतलब सही थी ना एमक्यूएम, सही चीखों पुकार कर रही थी? नहीं, आप ये पॉलिटिकल सवाल मुझसे कर रही हैं, मैं कह रहा हूँ उस टाइम से ही पुलिस उनको पकड़ती रही। अच्छा चले छोड़े एमक्यूएम की बात, तालिबानाइजेशन कराची में हो रही थी, बड़ी स्ट्रांगली हुई और आज कराची में तालिबान मौजूद हैं, और इस बात में भी हकीकत है कि इन तालिबान को भी आज कराची में इस्तेमाल किया जा रहा है पोलिटिकली, चाहे वो किसी भी जमात की तरफ से हो। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनको इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये यहाँ पे मजबूत हैं। ये मैंने आपको बोला कि ये ऊपर से आते हैं, जब ऊपर ऑपरेशन तेज़ होता है तो आते हैं छोटे छोटे ग्रुपों में, पांच छह छह लड़के आते हैं, एक को अमीर बना देते हैं, कभी ये कार्रवाई करने में कामयाब हो जाते हैं। लास्ट कमेंट चौधरी साहब, लास्ट कमेंट जा रूंगी, आपने कहा 15 से 20 दिन में आज से काउंटडाउन अपने शुरू कर दूंगी, आपने कहा 15 से 20 दिन में लियारी में नोगो एरिया खत्म हो जाएंगे और तो जितने भी क्रिमिनल जिनके आपने नाम लिए ऑन रिकॉर्ड है इनका सफाया हो जाएगा। मुझे आखिरी सेंटेंस में बता दीजिए, वन लाइनर, कराची में अमन कब मुमकिन है, कैसे मुमकिन है, हल क्या है? देखिए कराची में अब अगर ये छोटी मोटी गड़बड़ हुई है, ये कोई इतनी नहीं है कि कराची में कोई पूरे में आग लगी हुई है, छोटी मोटी गड़बड़ हुई है और इंशाल्लाह ये महीने 15 दिन में ये लियारी का मतलब ही साफ हो जाएगा। और इसके अलावा भी ये ज़रूरी नहीं है कि लियारी, जहाँ पर भी क्रिमिनल होंगे वहीं से पकड़ लिए जाएंगे। जाते जाते अली अहमद मक्सी कौन है? अली अहमद मक्सी भी PIB का रहने वाला है और ये
भी लियारी गैंगवार से इसका तल्लुक है, इसको भी अनकरीब सलाखों के पीछे होगा ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी असलम साहब हमें इतना टाइम देने का, हमसे तौर पे गुफ्तगू करने का। नाज़रीन, ये था वो हल जो कि सीआईडी के एसएसपी चौधरी असलम, जिनका असल नाम मोहम्मद असलम खान है, वो बता रहे थे अपने तजुर्बे की रोशनी में। और एक दफ़ा फिर मैं यही बात करूँगी कि ये उन चंद खुश नसीब पुलिस ऑफिसर्स में से हैं जो कि 92 के कराची क्लिन अप ऑपरेशन के बाद आज तक हयात हैं, और अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। ऑल्दो कि इनके साथ भी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी जुड़ी हुई हैं, लेकिन बहरहाल कहा यही जाता है कि अगर जिस इलाके में दिया जाए, भेजा जाए, जिस इलाके में जो इनको टास्क दिया जाए वो ये ज़रूर पूरा करते हैं। लियारी टास्क फोर्स को हेड कर रहे हैं, इनकी भरपूर कोशिश है। आज के प्रोग्राम से इनका ये काउंटडाउन भी शुरू होता है, इन्होंने 15 से 20 दिन का टाइम दिया है, उन लोगों के नाम भी दिए हैं जो कल्प्रिट्स हैं, और हमें देखना होगा और हमें ये फॉलोअप करना होगा, हमें ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो अपने टास्क में या अपने ऑपरेशन में किस हद तक कामयाब होते हैं। फिलहाल दीजिए प्रोग्राम है कोई जवाब से नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।